हेलो फ्रेंड गर्ल जाते निशा ब्यूटी पार्लर में आप सभी लोग का स्वागत है। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं मेरी वीडियो आप लोग को कैसे लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बताने जा रहे हैं बॉडी मसाज में जो स्टेप होते हैं, तो वही स्टेप अपने स्टूडेंट को बताने जा रहे हैं और वो स्टूडेंट एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी की जब बॉडी मसाज करते हैं तो उसको बोलते हैं पीठ। पीठ पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्रीम को अच्छी तरीके से फैलाएंगे। ऐसे ऐसे करो क्रीम को, ये हम आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ठीक। फिर उसके बाद में राउंड राउंड पूरे पीठ पे अच्छी तरीके से पूरे पीठ पे राउंड राउंड करना है। राउंड राउंड किए सारी पूरे पीठ पे अच्छी तरीके से, ठीक। फिर उसके बाद में ये जो आपका नेक है, नेक से ऐसे करना है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। फिर उसके बाद में नीचे थोड़ा सा और आ जाएगी तो फिर ऐसे कर लेंगे। ये ऐसे करना है, जैसे ये तुम्हारी पीठ है तो पीठ को पहले ये चीज ऐसे किया, ये ऐसे। कोई लोग खड़ा हो जाए हम बताते हैं, आप खड़े ऐसे करते, हाँ ये ऐसे करते, ठीक। फिर इसके नीचे फिर ये ऐसे करते, फिर ये ऐसे करते। ये आपके बॉडी मसाज के स्टेप हैं, ये आपको ऐसे ऐसे करके करना है, ठीक। और उसके बाद में यहाँ से ये आपकी जो बीच की हड्डी होती है ये इसका मसाज का स्टेप, ठीक। जब ये हो जाएगा तो ये ऐसे ऐसे हल्का सा हड्डी के साइड में ऐसे प्रेशर पानी देंगे ऐसे, ठीक। फिर ये हो जाएगा, फिर पूरे ये ऐसे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये हो जाएगा तो आप मुट्ठी से ऐसे ऐसे करेंगे पूरे पीठ पे राउंड, ठीक। जब आपको ये हो जाएगा आप सीजर बनाओगे, ये देखो ऐसे राउंड राउंड। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप उनसे देख सकते हैं, ठीक। ये ऐसे ऐसे करके पूरे पेट पे किया जाता है। जैसे आपके फेशियल के स्टेप होते हैं आपके बॉडी मसाज में भी वैसे स्टेप होते हैं सेम, ठीक। ऐसे ही किया फिर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ऐसे। स्टूडेंट देखिए मेरे कैसे वर्क कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक। अब फिर आप क्या करेंगे, ये जो कंधा है यहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक। फिर ये इसको ये ऐसे करके, ये सब रिलैक्स पॉइंट है, ठीक। और यहाँ पे हल्का सा ऐसे आप क्रीम लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से स्टेप चलेंगे आपके, ठीक। आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक। फिर उसके बाद में जब प्रेशर देना है पूरे बॉडी में, ठीक। कैसा लग रहा है, बिल्कुल नींद आने लगी, ठीक। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे पीठ पे आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ से ऐसे करिए, ये स्टेप आपके हेड मसाज में है, ठीक। फिर यहाँ से फिर यहाँ, फिर आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक। आपको सारे स्टेप ऐसे ऐसे करना है। हमें आपकी जो क्रीम है, क्रीम अगर हल्का हल्का फिर रह गई तो हल्का सा पानी लगाएंगे, ठीक। और फिर उसको कम कर देंगे, फिर उसके बाद दोबारा क्रीम को ऐसे अप्लाई कर लेंगे, ये ऐसे, ठीक। अब यहाँ का स्टेप खत्म हो गया, अब हमारा हैंड पे शुरू हो गया। हैंड पे क्या करेंगे, ठीक। पहले अच्छी तरीके से पूरी अच्छी तरीके से क्रीम को फैलाएंगे, सब लोग एक दूसरे के हैंड पे करो, हाँ
देखो पहले अच्छी तरीके से क्रीम को फैलाएंगे, क्रीम को फैलाया फिर इसको ऐसे ऐसे करेंगे, फिर इसको राउंड राउंड करेंगे। मैं स्टूडेंट को दिखा दूं, आप कैमरामैन कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ऐसे राउंड राउंड करेंगे, ये ऐसे ऐसे, ठीक। और फिर उसके बाद में ये हाथ से पकड़ेंगे और फिर ऐसे ऐसे, ठीक। और फिर ये यहाँ यहाँ, फिर इसके हाथ को ऐसे करेंगे हल्का धीरे धीरे, इससे इनके हाथ का जो थकान है वो सही, वो मेरे हाथ में, ठीक है? फिर उसके बाद में ये फिंगर को ऐसे फंसाएंगे और ऐसे खींचेंगे, 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 ठीक। अब इनका हाथ पूरा अच्छे तरीके से लूज हो गया। अब इसको थोड़ा सा कंबल ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे, सीजर बनाएंगे, सीजर से करेंगे, ठीक पूरे। उसके बाद में यहाँ से फिर ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे ऐसे करेंगे और फिर ये आपके यही जो सेम हैंड पे हो रहा है आपको वही है पैर पे करना है, लेग पे, ठीक। सेम आपके जो ये पीठ पे हो रहा है आपको सेम ये पेट पे भी करना है। आपको जो फुल बॉडी मसाज होता है, जो मैंने जितने स्टेप मैंने पीठ पे किया है आपको उतने इनके पेट पे भी करना है। पेट की स्किन बहुत हल्की होती है तो आपको बहुत हल्का हाथ चलाना चाहिए, ठीक है? जो बॉडी मसाज होता है उसमें जो क्रीमें होती है वो भी 4 से 5 होती है, एक क्लिंजिंग और एक आपका स्क्रब मसाज और जेल और पैक, जिससे आपका फेशियल होता है वैसे ही होती है, ठीक। और उसके बाद में ये सब कर लिया, ठीक, इसको ऐसे कर दो, ठीक, इसको हाथ को ऐसे फंसाओ, फिर ये कोनी को ऐसे ऐसे करो, ये कोनी को ऐसे ऐसे किया, ठीक। और उसके बाद में इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ यहाँ ये हल्का सा दबा दो, इससे इनको रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक है? मिल जाएगा ना, ठीक। फिर यहाँ से ये चीज़ दबा दो, ये चीज़ दबाओ, ये चीज़ दबाओ, ठीक। बस आपको सेम जो मैंने हाथ पे किया है आपको ये सेम पैर पे भी करना है, सेम ऐसे ही आपका फुल जो बॉडी मसाज होता है सेम ऐसे ही स्टेप किए जाते हैं, बस क्रीमें जो होती हैं उसका टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है? आप क्रीम का जो प्रयोग करेंगे स्क्रब कितनी देर तक किया जाता है, 4 से 5 मिनट। मसाज कितनी देर तक किया जाता है, 10 से 15 मिनट। आज का टाइम जो होता है ना उसको कम नहीं कर सकते हो, मगर जो स्क्रब का टाइम होता है वो हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है? तो आप कभी भी स्क्रब का टाइम थोड़ा सा आप 2 मिनट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, मगर जब मसाज करते हैं तो मसाज में हमारी जो क्रीम है वो अच्छी तरीके से स्किन में एडजस्ट हो जानी चाहिए, बाहर दिखनी ही नहीं चाहिए, ठीक। जब हम लास्ट में जब स्क्रब सॉरी जब हम प्रेशर पॉइंट दें तो हमारे हाथों में क्रीम रह ही ना जाए, बिल्कुल हमारी स्किन में पूरी वो क्रीम अच्छी तरीके से, ठीक है? तो आपको सेम ऐसे ही करना है। आप मसाज कम से कम 10 से 15 मिनट तक करेंगे, जेल को भी आप 10 मिनट तक करेंगे, पैक को जब तक सूख ना जाए, स्क्रब को आप 2 से 3 मिनट कर सकते हो, उसको हटा दो, ठीक। टैन स्क्रब का काम होता है आपका टैनिंग को रिमूव करना बस, और मसाज का जो काम होता है आपकी स्किन पे साइन करना, आपको रिलैक्स देना। जब आपको रिलैक्स होगा तभी आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, तो आपकी स्किन थोड़ा खिलेगी, ठीक है?
तो इसका जो स्क्रब का होता है उसका सिर्फ टैनिंग रिमूव करना होता है, और मगर जो हमारा जो मसाज का होता है ना उसका वर्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, आपकी मांसपेशियों को अच्छी तरीके से एक्सरसाइज, जैसे नहीं होता योगा योगा करना वैसे सेम आपके फेस का भी योगा ही होता है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग जरूर बताइए मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और कमेंट करके जरूर बताइए मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।